विष्णु कर्म के देवता है और उनका एक मंत्र, मैंने अभी बहुत ही हाल में उनका मंत्र पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि भाई अगर ये मंत्र इतने सालों से चलता आ रहा है तो किसी मंत्र का रट्टा मारने से तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ये तो समझ में आ गया। तो मतलब उस मंत्र का कोई ना कोई मतलब तो होगा। अब मैंने खुद अपनी तरफ से जब देखा, थोड़ा सा संस्कृत मुझे आता है, मैं अपने ज्ञान से थोड़ा सा जब उसमें अंदर मैंने देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। लिखा था कि शांताकारम भुजग शयनम, यानी भुजग यानी सांप, सांप के ऊपर सोया हुआ है, मतलब सांप है उसके पास, भय है उसके पास, फिर भी शांताकारम, चित्त उसका कितना शांत है। अर्थात ये समझ में आता है कि अगर हम बिजनेस में है तो हमें हमारे बिजनेस के अंदर अपना जो दिमाग है एकदम शांत रखना है। दूसरा उसमें दिया है पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभम, पद्म मतलब हम जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के हम पद्म होने चाहिए। पद्म मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुरेश सर्वश्रेष्ठ और उसके नंबर वन खिलाड़ी होने चाहिए। तो ये जो पहला सेंटेंस हमें सिखाता है कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, सेकंड कड़ी में हमको सिखाया जाता है विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। इसका अर्थ है कि विश्वाधारम, अगर मैं कोई बिजनेस चलाता हूँ तो ये मेरा विश्व है और उसका धारण मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी ये मेरी जिम्मेदारी है। तो विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन मतलब आई मस्ट बी ए विजनरी, मेरा विजन कितना हाई होना चाहिए, गगन सदृशम गगन तक मेरा विजन होना चाहिए। और मेघवर्णम शुभांगम, जब मैं कोई बड़ा बिजनेस करता हूँ तो मेघ वर्णम मतलब मेरा जो स्वभाव है वो मेघ जैसा होना चाहिए, बारिश जैसा होना चाहिए। मैं अपने एम्प्लॉय में फ़र्क नहीं कर सकता, छोटे बड़े एम्प्लॉय में फ़र्क नहीं कर सकता, जो सबको मुझे एक नज़र से देखना है, एक इज्जत देनी है, वो मेरा काम है। तो इस मंत्र के अंदर ये भी सिखाया गया। अब थर्ड मंत्र इसमें बताया गया है कि लक्ष्मीकांतम कमलनयनम, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के कांत मतलब आप अगर समझो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है और जो सेकंड पैराग्राफ है अगर आप उसका ध्यान रखोगे तो थर्ड आप लक्ष्मी के कांत बनोगे। जैसे आपके पास लक्ष्मी आएगी तो आपको तुरंत एक सीख दी गई है, कहते हैं कमल नयनम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम मतलब अपने आँखों को कमल जैसा बनाइए। कमल कीचड़ में उगता है और कीचड़ का एक बूंद भी उस पर टिक नहीं सकता, मतलब प्रलोभन लोभ ये सब आएगा लेकिन ये हमें नहीं करना है। इसलिए इस मंत्र में एकदम क्लियर समझा दिया गया है कि लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी भी ध्यान गम्यम, मतलब अब आप अपने बिजनेस के योगी हो जाएंगे, उसके अंदर अपना धीर हो जाएंगे, उसके आपका ध्यान है उसके अंदर पूरा अंदर रहेगा बिजनेस के अंदर। जब आप अपने बिजनेस के अंदर हो तो आपका पूरा आप बिजनेस के योगी बन जाते हो। तो बिजनेस के अंदर योगी बनिए और जैसे ही आप बिजनेस के योगी बन जाओगे, बिजनेस आपको पूरा अंदर आपका आ जाएगा, तब ये फोर्थ पार्ट में बताया गया यू विल बी ए ब्रांड, मतलब कहते हैं कि वंदे विष्णु भव भय हरणम। अब जैसे आप एक ब्रांड बन जाते हो तो आपको फिर भय नहीं होता, आपको पता है मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, आई हैव ए लॉयल कस्टमर्स, मेरी एक अच्छी बिजनेस सेटअप है, वो सेटअप हो जाता है तो आपको चौथा मंत्र काम आता है कि वंदे विष्णु भव भय हरणम सर्वलोकेकनाथम, मतलब ये तीन लोक आपके अंदर ही है, आकाश धरती आपका शरीर और पाताल, ये तीनों लोग के आप नाथ बन जाते हो, यू विल बी द कॉन्फिडेंट पर्सन। तो आपको इस मंत्र से एक चीज़ सीखनी है, ये कि आपको अपने बिजनेस के अंदर ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। क्या आप अपने बिजनेस में ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं? एक बार ध्यान से इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और हाँ अपने सारे बिजनेसमैन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही शास्त्र से आपके लिए एक एक शास्त्र लेके आऊँगा, शास्त्र से शास्त्र तक की यात्रा हमारे साथ कीजिए, रिबूट ब्रेन्स। थैंक यू।